सही है। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली लोग कहते हैं कि डेटा हाइडिंग, इसका मतलब होता है डेटा हाइडिंग। ठीक है, लेट्स अगर मैं आपको गूगल पे आकर लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना आपको चाह रहा हूँ कि आप वर्बली थोड़ा सा इंटरव्यू के वाले हिसाब से भी जो है ना प्रिपेयर रहें, क्योंकि इंटरव्यू में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं मूक के। इन कैप्सुलेशन इन ओ, कोई ढंग की डेफिनेशन मिल जाए इसकी। इनकैप्सुलेशन क्या कह रहा है कि इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ ऊ, इट रेफर टू द बंडलिंग ऑफ डेटा विद द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। इनकैप्सुलेशन इज यूज टू हाइड द वैल्यूज और स्टेट स्ट्रक्चर डेटा। भाई ये तो सही है। बेसिकली दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि बंडलिंग ऑफ डेटा, कि आपके डेटा को एक बंडल बना देना, ठीक है। सेकेंड कि डेटा को हाइड करना। डेटा को हाइड करने वाला जो एक है ना, वो अभी हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसके लिए हमें जो है ना वो एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ने पड़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ये हमें जावा में, जावा स्क्रिप्ट में नहीं होते, ये टाइप स्क्रिप्ट में मिलेंगे हमें। लेकिन जो पहला वाला पॉइंट है ना कि बंडलिंग ऑफ डेटा, वो कैसे देखिए, ये मैंने एक तरीके से कि जो एम्प्लॉय क्लास है ना, ये एक समझ लें एक बंडल बना दिया मैंने। ये एक बंडल है जिसके अंदर क्या है, इस क्लास की प्रॉपर्टीज है और इस क्लास के मेथड्स हैं। ये एक बंडल में इनकैप्सुलेशन को लोग जो है ना रेफर कर रहे होते हैं कैप्सूल से। कैप्सूल होता है, कैप्सूल को अगर अभी आप खोलें बीच से, उसमें क्या होता है, जो सारी मेडिसिन होती है वो सब छुपी भी होती है उस कैप्सूल के अंदर। जो पाउडर होता है मेडिसिन, जो आपकी पाउडर फॉर्म में आप खा रहे होते हो, वो क्या उसके अंदर छुपी भी होती है। तो इनकैप्सुलेशन को कैप्सूल से जो है ना लोग रेफर कर रहे होते हैं कि ये कैप्सूल की तरह है, ये क्लास एम्प्लॉय है, इसलिए क्या कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर इसका सारा जो जो है वो डेटा है वो इसके अंदर है, बंडल्ड हुआ हुआ है। तो असल में इनकैप्सुलेशन हम इसी को ही कहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाई है ना, क्लास, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो ये ऊप का ये सेकंड प्रिंसिपल फॉलो होता है इनकैप्सुलेशन यहाँ पे, कि मैंने इस क्लास को एक इनकैप्सुलेट कर दिया, डेटा को मैंने यहाँ पे इनकैप्सुलेट कर दिया एक क्लास एम्प्लॉय नाम के कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया मैंने। तो दिस इज कॉल्ड कैप्सुलेशन। थ्योरेटिकली है आपको, लेकिन इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इनकैप्सुलेशन होती क्या है। ठीक है, कोई सवाल किसी का इनकैप्सुलेशन में, कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। डेटा हाइडिंग, अभी दो इनकैप्सुलेशन के ना दो डेफिनेशन होती हैं, लिख लें अगर आप चाहें तो, ये इंपॉर्टेंट है। ऊप जितनी अच्छी आप कर सकते हैं थ्योरेटिकली अपनी और प्रैक्टिकल दोनों कर लें, क्योंकि ये इंटरव्यूज में भाई पहला सवाल ऊप से होता है। तो इनकैप्सुलेशन के ना आपको मैं दो पॉइंट्स बताएं। सबसे पहला पॉइंट ये कि ये क्या बंडल्ड ऑफ डेटा है, कि डेटा की बंडलिंग कर देते हैं इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट इसका ये कि डेटा की हाइडिंग, वो डेटा हाइड कर देते हैं। डेटा हाइड वाला पॉइंट अभी हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे, हम टाइप स्क्रिप्ट में चेक करेंगे इसको। और डेटा बंडलिंग वाला मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह कैप्सूल के अंदर आपके पास मेडिसन्स के जो पाउडर फॉर्म में बंडल्ड होता है वो, तो ऐसे यहाँ पे भी ये बंडलिंग ऑफ डेटा मैंने कर दिया एम्प्लॉय के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बंडलिंग ऑफ डेटा मतलब ये कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज और सारे के सारे मेथड्स को मैंने एक जगह बंडल कर दिया क्लास के अंदर, तो ये बंडलिंग हो गया, बंडल बना दिया सारा। हाँ ये कह लो, तो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। देख लिया। अच्छा तो भाई ये इनकैप्सुलेशन हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको जरा, हम एक चीज़ करते हैं, लेट्स अब देखें। हमने थोड़ा जो कोड किया था, हमने क्या किया था कि एम्प्लॉय की क्लास बनाई, ठीक है। उस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर कुछ जनरल फंक्शंस थे, ईयरली इंक्रीमेंट, 8 आवर शिफ्ट, फॉर्मल ड्रेस कोड। उस क्लास को मैंने एक्सटेंड करके टैग एम्प्लॉय की क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एम्प्लॉय इन्फो के नाम से, जिसके जो क्या कर रहा है उस एम्प्लॉय का नाम और उसके डिपार्टमेंट मुझे बता रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कंपनीज के अंदर, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि नॉर्मली ना लेट सेटिंग्स जो होती है ना, टैग के बंदे ज़्यादा लेट सेटिंग कर रहे होते हैं। लेट से अगर आपकी कंपनी के वर्किंग आवर्स जो है वो 9 to 5 हैं, तो टैग वाले जो लोग होते हैं वो 9 to 6, 9 to 7, 9 to 8 बैठ रहे होते हैं। टैग का ऐसा काम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय के अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है, ये 8 आवर शिफ्ट, सही है।
हम इस फंक्शन को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। मतलब क्या आप क्या आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। देखें मैं सिंपल आया, मैंने करा एक स्टैक एम्प्लॉय नाम क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे अली, इसके मैंने सारा डेटा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एम्प्लॉय डॉट 8 आवर शिफ्ट को मैंने कॉल किया, कर सकता हूँ ना कॉल? मैं क्यों कर सकता हूँ इसको कॉल एम्प्लॉय टैग वाले ऑब्जेक्ट से 8 आवर शिफ्ट, जबकि इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो मैं कैसे कॉल कर पा रहा हूँ इसको? जी इर्तजा और रेहान एक्सटेंड हुआ, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सेव करता हूँ मैं ज़रा। तो मुझे बता रहा है यहाँ पे कि भाई अली हैज़ अच्छा अनडिफाइंड आवर्स, इसलिए आ रहे हूँ कि मैंने पास नहीं किया यहाँ पे आवर्स। ठीक है, 5 आवर शिफ्ट टाइपिंग सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका डिफरेंट मेथड होना चाहिए, मतलब 8 आवर शिफ्ट का जो टैक्स है ना, ये ऐसा टैक्स नहीं, कुछ और टैक्स आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसा? लेट्स से मेरे पास एट आवर्स जो शिफ्ट है ना, ये फंक्शन इसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, इस क्लास के अंदर, तो एक्चुअल में ये फंक्शन ये वाला कॉल हो रहा है, ऐसा ही है। मैं यही सेम नेम का फंक्शन दोबारा बना रहा हूँ इस क्लास के अंदर। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आप सेम नेम के दो फंक्शन नहीं बना सकते। भाई मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट एट, एक फंक्शन है ऐड का, जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 2 + 2। ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाने जा रहा हूँ, एरर दे दिया इसने मुझे कि भाई कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप ऐड, कि आप सेम नेम के दो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में नहीं बना सकते। लेकिन देखें ऊप में मैंने ये काम किया है, मैंने वही सेम नेम का फंक्शन मैंने उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका अपने हिसाब से एक नया टैग रख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा अपने हिसाब से इसका, वे मैं टैग्स चेंज कर रहा हूँ, दिस डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, मैंने इसका एक नया बिल्कुल टैग्स रख दिया। देखिए इसने मुझे कोई एरर थ्रो नहीं किया, यही सेम फंक्शन इसकी पेरेंट क्लास के अंदर ही बना हुआ है, वही चाइल्ड क्लास में बना हुआ है। तो अब मेरा आपसे सवाल है, अगर अब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो पेरेंट वाला आएगा चाइल्ड वाला आएगा? सवाल समझ में आया? पहले ये फंक्शन नहीं था, मैंने कॉल किया वाला फंक्शन कॉल हो गया, मैंने वही सेम नेम से फंक्शन बनाया दोबारा, और अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो पहला वाला आएगा या जो पेरेंट क्लास वाला आएगा या चाइल्ड क्लास वाला आएगा? जी रेहान, नहीं सर, ये आपने पहले कौन सा बनाया? एक तो ऑलरेडी बना है ना ऊपर ये वाला, मैंने सेम नेम से दोबारा फंक्शन बना दिया। अब देखिए इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब ये फंक्शन एक्सेप्टेबल है इसकी नज़र में, एरर नहीं है कोई, जैसे नीचे आया था। तो लेकिन अब आएगा कौन सा, पहला वाला दूसरा वाला? आप क्या कहते हो, चाइल्ड वाला आएगा? देखिए चाइल्ड वाला ही आएगा, क्यों? रीजन पता होना चाहिए आपको, रीजन में ही सारी बात छुपी हुई है। चाइल्ड वाला इसलिए आएगा, ये मैंने जब ऊपर वाला सेम नेम से मैंने फंक्शन बना दिया नीचे, तो असल में हुआ क्या, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से मैंने बनाया वेरिएबल एक वेर से 10, मैंने दोबारा बनाया वेरिएबल वेर से सेम नेम से 20। अब अगर मैं लॉक करवा रहा हूँ वेर इसको नम को, तो पहला वाला आएगा 10 आएगा, 20 आएगा, 20 क्यों? क्योंकि भाई आपने कहा, आप बोलोगे कि सर वेर से जब बनाते हैं तो चीज़ रीडिक्लेयर हो जाती है, यानी कि जो नम है ये ओवरराइड हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही है ना, ओवरराइड हो जाएगा ना, तो मुझे 20 मिलेगा। सेम काम यहाँ हो रहा है, जब भी आप सेम नेम से फंक्शन बनाते हो, एक क्लास के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है आपने उसकी चाइल्ड क्लास में सेम नेम से फंक्शन बना दिया, तो ये वेर वाला बिहेवियर है कि ये क्या करेगा, इस 8 आवर शिफ्ट ने ओवरराइड कर दिया इस फंक्शन को, इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। लिख लो इसको अपने पास, ये सवाल होता है ऊप के इंटरव्यूज में कि भाई फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरराइडिंग ये होती है कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है पेरेंट क्लास में, वही सेम नेम से मैंने फंक्शन बना दिया उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर, सो दिस कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग।
और इसी चीज को हम कहते हैं। अच्छा ऊ का एक और पिलर हमारे, पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ, पहले ये लिख लो सुकून से कि फंक्शन ओवर राइडिंग क्या होती है। वही ना, वही दो ओवर राइड हो जाएगा पहले वाले से, ये लिख लो जरा, मैं एक मिनट आया। सर जी लिख लिया, अच्छा जी हमने उसके दो पिलर्स देख लिए अभी, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, ये भी साथ साथ आप पढ़ते रहे पिलर्स ऑफ वू। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, उसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जो भी आपने किया है, जो हमने फंक्शन को ओवरराइड किया है ना, तो इसी चीज को हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये होता कहाँ है, इनहेरिटेंस के अंदर होता है, जैसा कि हमने करा। पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम। रन टाइम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग जो भी हमने करी है, और ये इनहेरिटेंस के अंदर ही होती है कि हम किसी मेथड को पेरेंट क्लास में बना रहे हैं, हमने चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे मेथड ओवरराइड किया ना हमने, ऐसी ही एक चीज होती है, इसका नाम होता है मेथड ओवरलोडिंग। बहुत काम की चीज, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको बताऊँ, मैंने मल्टीपल लोगों से ऊपर पढ़ी, मुझे इतनी डिटेल में कहीं किसी ने नहीं बताई। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद ही रिसर्च करी है, खुद इंडस्ट्री में जो है वो मार खा के सीखे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको जितना हो सके डिटेल में लिखें। मैथड ओवरलोडिंग, अब मैथड ओवरराइड तो देख लिया भाई क्या होता है, मैथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मैथड ओवरलोडिंग हम यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अभी, आपको जरूर बताऊंगा जरूर कि होती क्या है, लेकिन इंप्लीमेंट यहाँ नहीं कर सकते हम, जावा हम वहाँ पे कर सकते हैं, इसको टाइपस्क्रिप्ट में करके देखेंगे। लिख ले फिर बताता हूँ मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। आपने टाइप बताइए दो, ये पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है मेथड ओवरराइडिंग जो हमने किया है अभी। एक मेथड जो पेरेंट क्लास में था
मैंने वही सेम मेथड को ओवरराइड कर दिया चाइल्ड क्लास में बना के, तो ये मैंने मेथड ओवरराइडिंग कर दी, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये। सही है, कोई सवाल इसमें? देखिए सेम ये है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना ये ऊप के प्रिंसिपल का एक नाम है, मेथड ओवरराइडिंग एक टेक्निक का नाम है, कि मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया, एक टेक्निक है, ये ऊप के प्रिंसिपल का नाम है। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब अगर मैं ऊप के हिसाब से देखूं तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक चीज होती है मेथड ओवरलोडिंग, यहाँ भी ये सीन, ये एक टेक्निक है, ये एक ऊप का प्रिंसिपल का नाम है भाई। जी दोनों टाइप में क्या होती है भाई? मेथड अगर आप थोड़ा सा इसको गूगल पे पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म लोग इस तरह पढ़ाते हैं, ये दो वर्ड हैं, पॉली और मॉर्फिज्म। सही है, ये दो वर्ड है, आप चाहें तो लिख लें, इसको बड़ा हेल्प करेगा आपके लिए। पॉली का मतलब होता है मैनी, सही है, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी इसका मतलब ये है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैनी फॉर्म्स, यानी मल्टीपल किस्में, मल्टीपल शक्लें। अब ये ऐसा क्यों है भाई? अच्छा भाई मैं ये अपने पास से नहीं बता रहा हूँ कि मैं किससे कहानी सुना रहा हूँ आपको, बना बना के अपने दिमाग से भाई, ये आप गूगल पे करेंगे माँ भी आपको यही मिलेगा। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो इसका उर्दू में अगर मैं आसान जबान में बताऊँ तो भाई इसका मतलब होता है मल्टीपल शक्लें, मल्टीपल किस्में। अब इसको लोग समझाने के लिए यूँ एग्जाम्पल देते हैं, लेट से एक बंदा है, ठीक है, वो देखा होगा आपने कोई, जैसे लोग करते हैं, मैंने भी काफ़ी टाइम तक किया है, कि वो पढ़ भी रहा है, वो पढ़ा भी रहा है, तो अगर वो बंदा जब पढ़ रहा होता है, वो बंदा एक ही है, एलिमेंट एक ही है, पर्सन एक ही है, लेकिन अगर वो पढ़ रहा है तो वो क्या है, स्टूडेंट है, अगर वो वही बंदा पढ़ा रहा है तो टीचर है। ऐसा ही दो अलग अलग बंदे नहीं है ये, कि स्टूडेंट में अलग बंदा है, टीचर में अलग बंदा है, वो एक ही बंदा है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। मैं हूँ भाई, मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, ये मेरी एक फॉर्म आ गई कि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, बंदा तो एक ही है ना, फॉर्म डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ऊप बिल्कुल रियल लाइफ से आपको रिलेट दिखेगी हर जगह, तो भाई ये है पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे कैसे पॉलीमॉर्फिज्म होगा भाई, यहाँ पे आप वो बंदा को समझ लें, वो बंदा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास के अंदर, मैं एक मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे, टैग एम्प्लॉय, वही बनाता हूँ यहाँ पे, टैग एम्प्लॉय, या इसकी हम को थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं, हैज स्किल्स, भाई टैग एम्प्लॉय जो इसकी स्किल्स क्या है, ठीक है, यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, लैंग्वेज वन, कि उसको एक लैंग्वेज आती है, ठीक है। मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, या रिटर्न छोड़ो, हम लॉक करवा लेते हैं, कि दिस डॉट नेम हैज कमांड ऑन, ये मैं कोई लैंग्वेज पास करूंगा, इसके ऊपर कमांड है, ठीक है। अब मैंने सेम फंक्शन बनाया, ठीक है, विद डिफरेंट पैरामीटर है, अब लेकिन ये ठीक है, फिर मैंने दोबारा से सेम फंक्शन बनाया, डिफरेंट पैरामीटर्स, ये जो मैंने काम किया है ना,
ये मैंने किया है मेथड ओवरलोडिंग, ये ओवरलोड किया है इसको मैंने, कि एक ही फंक्शन है। अच्छा आप बोल के भाई तो ओवरराइड हो रहा है, ओवरराइड नहीं हो रहा है ये। ओवरराइड का मतलब होता है पुराना गया नया आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें ना ये तीन डिफरेंट डिफरेंट है, ये एक पैरामीटर ले रहा है सिर्फ, ये दो ले रहे हैं, ये तीन ले रहे हैं, ये तीनों एक बात तो ये हो गई भाई कि तीनों सेम नहीं है। नाम सेम जरूर है इनके, लेकिन है तीनों डिफरेंट डिफरेंट, इनका काम डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो फंक्शन है इसमें मैं सिर्फ एक चीज पास करूंगा, इसमें मैं दो चीजें पास करूंगा, इसमें मैं तीन चीजें पास करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। कि अब देखें इसका नाम ओवरलोडिंग क्यों है, इसको देखिए मैंने ओवरलोड कर दिया। पहले इसको मैंने कहा हेल्थ स्किल के बाद सिर्फ एक पैरामीटर आएगा, फिर मैंने कहा दो आएंगे, फिर मैंने कहा तीन आएंगे, ओवरलोड होता जा रहा है ये, इसके पैरामीटर्स का लोड बढ़ा दिया मैंने, तो इसीलिए इसका नाम रखा है ओवरलोडिंग। और पॉलीमॉर्फिज्म की जो रूल है ना कि मैनी फॉर्म्स, तो अब ये हेल्थ स्किल्स है, इसके देखिए मैनी फॉर्म है, हेल्थ स्किल्स के बाद यहाँ पे एक लैंग्वेज भी है, दो भी आती है, तीन भी आती है, तो इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं अगर इसको कॉल करने जाता हूँ, देखें यहाँ पे तीन है तो यहाँ तीन आएंगे, सही है, जरा कॉल करते हैं इसको। मैंने ऑलरेडी के बनाया हुआ है एम्प्लॉय टैग के नाम से, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आप देखिएगा मैंने लिखा है यहाँ पे डॉट हेल्थ स्किल्स। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कौन सा वाला हेल्थ स्किल्स कॉल होगा, ऐसा ही है ना भाई, पता कब चलेगा? कॉल तो कर दिया ना, यानी मैं भी आपसे पूछूं भाई ये हेल्थ स्किल्स मैंने कॉल किया है, कौन सा वाला कॉल हो रहा है इसमें से? आपसे सवाल है मेरा, आप बोलोगे सर पैरामीटर तो पास करें पहले, फिर मैं बताऊंगा कौन सा वाला कॉल हो रहा है, ऐसा ही है ना भाई? देखा ये मैंने किया हुआ है तो ये तीनों पे आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आके पास करता हूँ लेट से जावा स्क्रिप्ट, देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, और से पढ़े, तीसरा वाला कॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती मेथड ओवरलोडिंग, जावास्क्रिप्ट में नहीं हो सकती, वो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर ही ओवरराइड कर दिया इसने, इसने यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कर दी है। समझ आ रही बात? एक्चुअल में इसने तो काम किया ओवरराइड कर दिया है, लेकिन हमें मेथड ओवरलोड करवाना था टाइपस्क्रिप्ट में, नेक्स्ट जेएस नहीं टाइपस्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग होती है, लेकिन ओवरलोडिंग मैंने बताया आपको इस तरीके से होती है। समझ में आया? तो भाई लिख लें इस चीज को कि ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइड क्या होता है, और ये आपने पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ लिया है। बाकी इसका एक आखिरी पिलर बचा है एब्स्ट्रैक्शन, भाई ये भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं बनती यहाँ पे भी, वो टाइपस्क्रिप्ट में बनती हैं। तो समझ में आ रहा है कितने जावास्क्रिप्ट में ऊप में कितने फ्लॉज हैं, कि इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऊप कभी भी नहीं करते, हम टाइपस्क्रिप्ट में करते हैं। लिख लें सी से, फिर कुछ कहना चाहना? फिर बता दूं। हाँ। देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, पैरेंट क्लास में एक मेथड बना हुआ उसको मैंने ओवरराइड कर दिया, वही सेम नाम का मेथड बना के चाइल्ड क्लास, ये हुआ ओवरराइडिंग। अब इसको आप अपनी जबान में जो उर्दू में इंग्लिश में लिखना चाहे लिख सकते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही नेम का मेथड है, सेम नेम का मेथड है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर करके, सेम नेम का मेथड है उसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं बाय पासिंग डिफरेंट पैरामीटर्स उसी क्लास में। हाँ देख लो सिस्टम, अगर हम ये नेक्स्ट जेएस में करते तो पहला वाला चलता, टाइपस्क्रिप्ट में करते तो पहला वाला चलता। हाँ पहला वो उठाता है पैरामीटर के हिसाब से करेंगे हम। तो दो टाइगर जितने हम पैरामीटर पास करेंगे वो पहले से रहेगा।
पैरामीटर से भी दिखेगा, अगर एक पैरामीटर कॉल होगा तो पहला वाला दो होंगे, दूसरा वाला तीन होगा, तीसरा होगा चेक करके उठाऊंगा। अच्छा जी, ऊप के हम थ्री पिलर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, आधे अधूरे। और हमारा एक और पिलर रहता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जावास्क्रिप्ट में, ये हम टाइपस्क्रिप्ट में ही करेंगे कवर इसको, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। अच्छा, हमने मेथड ओवरराइडिंग देख लिया, हमने मेथड ओवरलोडिंग देख लिया, ठीक है। अब आई थिंक किसका इंट्रोडक्शन हमें करवाया था आपको, इनहेरिटेंस क्लियर हो गया, ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया। क्या होता है इनकैप्सुलेशन में, एक चीज रहती है, आपको एक पॉइंट मैंने बता दिया, याद रखिए क्या क्या चीज रहती है इनकैप्सुलेशन में, एक चीज रहती है डेटा हाइडिंग, एक चीज बता दी, बंडलिंग वाला बता दिया। बंडलिंग का मतलब ये, दो मैंने कहा था दो पॉइंट्स होते हैं, एक इनकैप्सुलेशन मतलब इनकैप्सुलेशन में एक होता है डेटा हाइडिंग, एक होता है बंडलिंग, डेट बंडल ऑफ के बंडलिंग करना। तो ये बंडलिंग मैंने आपको बता दिया, ये बंडल कर दिया मैंने प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक एक यूनिट के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर मैंने बंडल कर दिया, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। एग्जाम्पल है कैप्सूल, और एक होता है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग हम करते हैं किसके थ्रू, ये भी लिख रहे हैं, डेटा हाइडिंग हम करते हैं किसके थ्रू है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, ये भी लिख लें, ये एक सेपरेट टॉपिक है पूरा, एक्सेस मॉडिफायर्स।
एक्सेस ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस मॉडिफायर्स, इसके थ्रू हम डेटा हाइड करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट, जावा क्या नाम है टाइपस्क्रिप्ट में। किसी ने जावा या सी प्लस पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ी है, वहाँ पे पढ़ोगे एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड स्टैटिक, उन्हीं को एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे टाइपस्क्रिप्ट में भी। ये हर लैंग्वेज में होते हैं, ये ऊप के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्पेशली जावा स्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊप के कॉन्सेप्ट है, हर लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। अच्छा जी, पॉलीमॉर्फिज्म हम देख चुके हैं, इसमें मेथड ओवरलोडिंग हमने देखा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसको इंशाल्लाह टाइपस्क्रिप्ट में देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन भी वहीं पे देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन का आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन निकला है एब्स्ट्रैक्ट से, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है जनरल, नॉर्मली जनरल इंग्लिश में देखिए, एक ऐसी चीज जो कि एक कॉन्सेप्ट है, फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती, बस एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में फिक्शनल हो गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करती बस, सॉरी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं वो चीज, तो नहीं एग्जिस्ट नहीं करती बस एक कॉन्सेप्ट है वो, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ भी वही बिल्कुल एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है कि समझें कि वो मतलब जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, बस वो एक क्लास बना के रख देते हैं हम, उस क्लास को ना कोई, अच्छा एक आपने बड़ा एक कॉमन वर्ड सुना होगा इंस्टेंशिएट करना, एक वर्ड सुना होगा इंस्टेंशिएट, बहुत यूज होता है, उसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंशिएट का मतलब होता है जैसे ये मैंने बनाया है यहाँ पे ईएमपी, ये मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ कि मैंने ये इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाया है, या एम्प्लॉई नाम की क्लास इंस्टेंशिएट हो रही है यहाँ पे, सबका एक ही मतलब है। तो ऑब्जेक्ट बनाना कहते हैं ना जिसको हम, इसी को कहते हैं इंस्टेंस बनाना या इंस्टेंशिएट करना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो इंस्टेंशिएट नहीं होती, जिसका कोई इंस्टेंस नहीं बनता, इसका ना तो कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है इस क्लास, जैसे मैंने इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई बना क्यों नहीं फिर, अगर इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते तो भाई हम क्लास बनाते क्यों हैं, ताकि हम उससे ऑब्जेक्ट बना सकें। क्लास बनाने का ये एक रीज़न है भाई, क्लास बनाने का रीज़न ये है कि हम कोई अगर आपसे पूछो भाई क्लासेस क्यों बना रहे हो, तो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं हम ईजिली, वरना ऑब्जेक्ट्स तो वैसे ही बना सकते हैं हम, वैसे जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं ऑब्जेक्ट, क्लासेस से क्या होता है कि हम बहुत ईजिली ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं रियूजबिलिटी के साथ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लास होती है जिससे ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो भाई बनाए क्यों रहे, वो ड्राइव क्लासेस उससे हम, यानी कि वो क्लास जो है ना वो एक पेरेंट क्लास होती है चाइल्ड क्लासेस के लिए, वो क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसको दूसरी क्लासेस एक्सटेंड कर सकती हैं अपने अंदर। समझ में आया? इनहेरिटेंस जो हमने किए भी यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लास बनाई यहाँ पे एम्प्लॉई, हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं एक चाइल्ड क्लास से। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना वो क्लासेस होती हैं कि जो मेनली इस काम के लिए यूज होती हैं, कि हम उन क्लास एक क्लास बना के रख दी मैंने, उसके अंदर मैंने कुछ फीचर्स डिफाइन कर दिए, अब उस क्लास को दूसरी क्लासेस एक्सटेंड कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन आप बोले कि भाई वो तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक काम और हो रहा है, जो पैरेंट क्लास है ना वो डायरेक्टली देखिए इंस्टेंशिएट भी हो रही है, उसका एक इंस्टेंस भी बन रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बनता। अगर गूगल पे कोई अच्छी डेफिनेशन मिल जाए ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एक मेन रीजन होता है। नहीं, अभी तो बताया इंस्टेंशिएट का मतलब क्या है, जिसको आप ऑब्जेक्ट बनाना कहते हो ना उसी को ही ऊप की टर्म्स में कहते हैं इंस्टेंशिएट करना। अच्छा, नॉर्मली ना लोग एब्स्ट्रैक्शन को भी यूज करते हैं डेटा को हाइड करने के लिए, तो ये एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन जो है ना इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। इनकैप्सुलेशन का जो मेन है ना मेन वो है बंडलिंग, बंडलिंग ऑफ डेटा, लेकिन वो डेटा हाइड भी करती है
किस तरह करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। एब्स्ट्रैक्शन अगर आप पढ़े ना, देखिए एब्स्ट्रैक्शन में क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ ऊ, इट मेन गोल इज टू हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। इसमें क्या होता है कि आप, वही मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दी थी आपको मैंने, कि लेट्स से अगर आपको किसी लिखा हुआ है कि एक सिस्टम है उसकी 6 GB रैम है, तो 6 GB में डेटा स्टोर कैसे होता है वो लिखा हुआ नहीं होगा उसके ऊपर कि इसमें इस तरह इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। बस वो ये बताएगा कि आपको भाई 6 GB रैम है, 6 GB आप डेटा स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। तो मतलब जो इंटरनल डिटेल्स हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं इंटरनल, उनको हाइड करके जो काम काम की चीज़ें वो आपको बताना है। ये एक कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। लेकिन इस चीज को एब्स्ट्रैक्शन क्या है, बेसिकली हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, ठीक है, और सिर्फ जो मेन मेन डिटेल्स हैं वो यूजर को बताना है। ये है एब्स्ट्रैक्शन का एक रूल। देखें यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें ना पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी कॉफी की, कि कॉफी मेकिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कॉफी मेकिंग में एब्स्ट्रैक्शन कैसी यूज हो रही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये उन्होंने बताया हुआ है कि भाई यू नीड टू नो हाउ टू यूज योर कॉफी मशीन। आपको पता है कॉफी मशीन कैसे बनाते हैं, आपको भाई पानी चाहिए, कॉफी कॉफी बीन्स चाहिए, आपको मशीन का स्विच ऑन करना है और जो कॉफी आपने बनानी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। नथिंग यू डोंट नीड टू नो, आपको ये नहीं पता कि कॉफी मशीन इंटरनली कैसे काम कर रही है, बस आपको क्या हो रहा है इन द एंड में एक डिलीशियस कॉफी मिल रही है। ये एग्जाम्पल है कि आपको इंटरनल डिटेल्स हाइड हुई वहाँ पे। ये एक एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन की। अब एब्स्ट्रैक्शन ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होती है भाई, वो बिल्कुल यही तरीके की, हमें यहाँ पे कहीं लिखा होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं जिससे हम डेटा को हाइड कर देते हैं। थ्योरेटिकली बस ये जानना काफी है, जितना मैंने बताया आप इतना समझ लो बस, कि डेटा हम हाइड करते हैं किस तरीके से। डेटा हाइड दो तरीके से, एक इनकैप्सुलेशन में होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, और एक यहाँ पे होता है एब्स्ट्रैक्शन में, कैसे कि हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और सिर्फ जो एसेंशियल चीज़ें वो दिखाते हैं। अब प्रैक्टिकली में किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल होता है कैसे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है, कैसे चीज़ें हाइड होती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, ये रही लिख लिया तुमने। लिख लिया भाई? यस। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है ना टाइपस्क्रिप्ट में ऊप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई इंशाल्लाह हम टाइपस्क्रिप्ट शुरू करेंगे फिर ऊप के अंदर।